उनकी आवाज़ को सदन में दबाने का जो ये प्रयास था षड्यंत्र के मार्फत, उससे उसमें प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर सभी एक्सपोज हो गए। जिस तरीके से जजों को बदला जा रहा है और इस मामले में राहुल जी को षड्यंत्र के तहत उन पर उनको दोषी करार किया गया, दोषी करने के बाद उनकी सज़ा इतनी दी गई ताकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लगातार अगर कोई घटना सामने आई है तो हमारे सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन जब सदन आते हैं तो जनता की अगर चिंता है तो बहस करना चाहिए। उत्तराखंड का मानसून सत्र आखिरकार आज खत्म हो गया है, सत्ता पक्ष की नज़र में कैसा रहा ये सत्र वो जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह जी हैं। दीपिका जी, आपकी नज़र में कैसा रहा? सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि जनता के सवाल नहीं उठे, सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। जनता के सवालों से विपक्ष का कोई सरोकार नहीं, नहीं तो सदन इसी बात के लिए होता है कि यहाँ आकर के लोग बहस करें। ये जो धरना प्रदर्शन और राजभवन में अपने हेडक्वार्टर में जाके बैठने का काम, तो वो जब सदन नहीं चलता तब भी कर सकते हैं, लेकिन जब सदन आते हैं तो जनता की अगर चिंता है तो बहस करना चाहिए था। इन लोगों ने कोई बहस नहीं किया, सप्लीमेंट्री बजट तक का इन लोगों ने बॉयकॉट किया। आपको जो भी कहना सदन के अंदर कहिए। करें कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर पे चाह रहे थे, सरकार का जवाब, नियोजन नीति पे चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि भाई जो अपराध बढ़ा है उस पर कुछ बोल दे, ये सब कोई मुद्दा नहीं। जो कांग्रेस के विधायक ने अपमान किया उस पर ये सदन में माफ़ी मांगना पड़ा, बोले ऐसे कई आचरण है। और संख्या बल के ताकत से आप कह रहे हैं कि बात सुनते नहीं हैं, तो इसलिए हेडक्वार्टर आप जिसको बता रहे हैं राजभवन जाना मजबूरी है। राजभवन जा कर के अगर वो जो तीनों विधेयक वहाँ से जो विधानसभा आना चाहिए था वो विधानसभा ना आकर के सरकार के पास क्यों चला गया, इसके बारे में पूछाते। वो विधेयक अगर आ जाता तो यहाँ सही से उसको और जो फेर बदल बहस चर्चा जो विपक्ष चाहती है राजभवन चाहता था उसको भी हम लोग सदन के अंदर कर लेते। आपको लगता है टाइम परचेज किया गया? OBC आरक्षण डेफिनेटली यही किया गया है। लोकतंत्र की रोज़ हत्या हो रही है और राजभवन भी उसमें शामिल है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। विपक्ष को जरा भी आदिवासी भाई बहनों की चिंता है तो मेहरबानी करके जितने भी हमारे सांसद हैं वो जाएं मणिपुर, पूछ करके आएं कि वहाँ के आदिवासी भाई बहनों की को इतनी परेशानी क्यों हुई। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लगातार अगर कोई घटना सामने आई है तो हमारे सरकार ने कार्रवाई की है, तुरंत FIR लॉज हुआ है, तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ा गया है और कोर्ट तक मामले को पहुंचाया गया है। हमारी सरकार किसी वीडियो के वायरल होने और प्रेशर बनाने का इंतज़ार नहीं करती कि हम तब कार्रवाई करेंगे। 80 दिनों तक मणिपुर जल रहा था, जो एक वीडियो आया है उससे देश पूरा इतना उद्वेलित हो गया। ऐसे तमाम वीडियो को इन लोगों ने नेट बंद करके रखा है और आज सिर्फ मणिपुर ही नहीं अब तो हरियाणा भी जल रहा है। हमें समय रहते और जो हमारे यहाँ के भाजपा के सांसद विधायक हैं, मैं कहती हूँ कि आप लोग भी समय रहते चेतिए, और नहीं तो इस आग में सिर्फ इंडिया अलायंस गठबंधन के लोगों का घर नहीं आना या सिर्फ जनता का घर नहीं आना, उसका प्रभाव आप लोगों के घर तक भी पहुँचेगा। समय रहते चेत जाएं। आखिरी दिन दो महत्वपूर्ण आज दिन था, एक तो सरकार ने मान लिया कि यहाँ 60-40 ही चलता, दूसरा आज राहुल जी को जो राहत मिली है, कांग्रेस के लिए या इंडिया अलायंस के लिए ये कितनी बड़ी खबर है? देखिए, देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी था और न्यायपालिका ने जो सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो आज किया है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने भी उसको जो स्टे दिया था उस पर अपने मंशा को बहुत साफ कर दिया। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि षड्यंत्र हो रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जजों को बदला जा रहा है और इस मामले में राहुल जी को षड्यंत्र के तहत उन पर उनको दोषी करार किया गया, दोषी करने के बाद उनकी सज़ा इतनी दी गई ताकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए और उनकी आवाज़ को सदन में दबाने का जो ये प्रयास था षड्यंत्र के मार्फत, उससे उसमें प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर सभी एक्सपोज हो गए। एक आखिरी सवाल, BJP का ये आरोप है कि जहां अगर चुनाव जीत जाती है कांग्रेस वहां EVM ठीक हो जाता है, जिस न्यायालय से राहत मिल जाता है वहां न्यायालय ठीक हो जाता है, नहीं तो न्यायालय पे भी उंगली उठाने से कांग्रेस नहीं बाजा। अगर कहीं आज अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है
उसको ही आप पूरा पढ़ लीजिए। आखिर किस परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस तरह का निर्णय किया था, क्यों हाई कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा था, सवाल तो उठेंगे ही। अगर कहीं कोई गलती है, मैं पूरे सिस्टम को हम लोग नहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जहां गलतियां हो रही हैं और जहां षड्यंत्र हो रहे हैं, वो उसकी आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.